जी, आप आज मिलने के लिए आए थे, क्या बात हुई? हमला हुआ है इसकी, आप कैसे आप इसकी निंदा करते हैं? इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ये जो जिसने भी ये घोर अपराध किया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम सब लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी विचारधारा लोग प्रकट करते हैं, ये लोकतंत्र की हमारी बहुत ही अच्छा खूबसूरती है। लेकिन जिन्होंने भी ये जन्य अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार मारा जा रहा है लोगों को, लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है यूपी के अंदर, भाजपा की सरकार है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मैंने कहा ना कि एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इसकी जितनी भी हम लोग निंदा करें वो कम है। वो बहुत लंबे समय से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लगातार धमकियां मिल रही थी सोशल मीडिया पर, और इस हमले के बाद भी धमकी मिल रही है, उसके लिए क्या कहें? नहीं, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि कोई धमकी मिल रही थी, लेकिन ये है कि भाई वो स्वस्थ हैं और मैं उनसे मिल के आया, और उन्होंने जो है लोगों से अपील करी है कि सब लोग शांति बनाए रखें और हम लोग सब शांति के सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया है आरोपों के। नहीं नहीं, कोई इसमें घटक, मैं अभी मिल के आया, वो स्वस्थ है, उन्होंने अच्छी बात कही कि लोग सब लोग अपने अपने काम पे जाएं और सब शांति बनाए। विधायक जी, आपकी लखनऊ बात हुई थी क्या? लखनऊ इस बारे में अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे संगठन के द्वारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लगातार संपर्क जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।